नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में हुए हमले में शोक जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स में पोस्ट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत का समाचार दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। वहीं दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और दूसरे लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, उसमें जाकर मुख्यमंत्री का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उसे मंदिर का शिलान्यास करना और उसको केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और ये कहना कि जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ में अपनी यात्रा कर सकते हैं, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ है। मंदिर समिति बोर्ड इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। तो राजधानी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण का लगातार विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में केदारनाथ धाम मंदिर का प्रतीकात्मक धाम बनाया जा रहा है। इस दौरान लगातार उत्तराखंड में जो संत समाज है, जो चारधाम यात्रा व्यापारी है, वो लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। उद्घाटन हुआ तो मुख्यमंत्री जी के साथ महेश सिन्हा जी और नैनवाल जी सम्मिलित थे। ये देखना कि उस ट्रस्ट में किस किस को ट्रस्टी बनाया है और किसका कितना हिस्सा है। और अभी ये जो प्रेस कर रहे हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं और उस समिति के जो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, इनके बराबर जानकारी शायद ही किसी को होगी। और जिस सोने की हम बात कर रहे हैं उस प्रस्ताव को पहले ठुकराने वाले व्यक्ति यही हैं, वो रोहतेला आ रहे हैं, उनकी प्रेस हो जाने दीजिए, वो क्या बोलते हैं उस पर हम बोलेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी ने जिस चीज को कह दिया सनातन धर्म उसको मानेगा, धाम कहने का अधिकार किसी को नहीं है। भगवान के केदारनाथ मंदिर की प्रतिरूपी रूप बनाकर उसके फोटोग्राफ्स लगाकर जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है वो गलत है, लोगों को बरगलाने वाला है और हमारी धरोहर हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। क्या मुख्यमंत्री को अधिकार है कि हमारे शिला को यहाँ से ले जा सके? क्या मुख्यमंत्री को अधिकार है पुरातत्व विभाग के नियम कानूनों को तोड़े? ये मेरा उनसे प्रश्न है। जैसा कि सबको मालूम है कि 10 जुलाई को हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केदारनाथ जो हमारा आस्था का प्रतीक है उसके प्रतिमूर्ति के रूप में मंदिर का निर्माण बुराड़ी शहर दिल्ली में किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे जितने भी परिवहन व्यवसायी है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे परिवहन व्यवसाय और हमारे सूबे की जनता के हितों पर कुठाराघात है, इसको लेकर जो है हमारे जितने भी हमारे परिवहन व्यवसायी भाई हैं और जो स्थानीय व्यापारी आज हैं उनके द्वारा एक पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि अगर जल्दी आप नहीं जीतते हैं तो निश्चित तौर से एक बड़ा आंदोलन पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा और भाजपा सरकार को इसकी जो नीतियां हैं उसके उसमें बेदखल करने का काम हम यहां से करेंगे। तो दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण का लगातार उत्तराखंड में विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां संत समाज और तीर्थ पुरोहित दिल्ली में बन रहे मंदिर का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा से जुड़े जो व्यवसायी हैं
वो भी इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम का कांग्रेस भी जमकर विरोध कर रही है और इसको लेकर धामी सरकार को भी घेर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण का विरोध हो रहा है। इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो, रोजी रोटी देने से इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से हर तरफ प्रदेश भर में अब दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण का विरोध हो रहा है, वहीं हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि धाम एक ही है, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्या वजह कि चाहे तीर्थ पुरोहित हो या चार धाम यात्रा से जुड़े जो व्यवसायी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इस केदारनाथ धाम को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो और ज्यादा यहाँ पर होने लगा है। और आप सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार से इस पूरे मामले पर सवाल जवाब से पूछा जा रहा है। सवाल जवाब यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिर सरकार की ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी मजबूरी है जिसके चलते केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। सरकार की तरफ से सफाई वहाँ पर दी जा रही है कि केदारनाथ धाम का कोई दूसरा धाम दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ही केदारनाथ धाम है और केदारनाथ धाम में स्थापित है। दिल्ली में जो बन रहा है वो केवल मंदिर है और उस मंदिर को लेकर कोई भी संस्था यहाँ पर काम कर सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि अब इस धाम को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर तेज होने लगा है। और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से तीर्थ समाज तीर्थ पुरोहितों का यहाँ पर विरोध चल रहा था, पंडा समाज विरोध कर रहा था, या विपक्षी दल जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाने का काम कर रहे थे, उस पर अब जो धाम के जो दिल्ली में जो बड़े जो केदारनाथ धाम का जो ट्रस्ट है उन्होंने नाम बदलने की अपनी प्रक्रिया शुरू की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद जो केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के जो लोग धरने पर बैठे हुए थे विरोध कर रहे थे उन्होंने भी अपना धरना स्थगित करने का काम यहाँ पर किया। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बन रहा है उसके जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है और जो कमेटी है उसने जो मंदिर बन रहा है उसका नाम बदलने का यहाँ पर विचार किया है, क्योंकि जो मंदिर बन रहा है उसका जो स्ट्रक्चर है या जो ढांचा है वो केदारनाथ मंदिर धाम के ही तर्ज पर बन रहा है, क्या ढांचा भी बदला जाएगा, क्या मंदिर का स्ट्रक्चर भी बदला जाएगा? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष इसी मामले को उठाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम एक ही है और वो केदारनाथ धाम में स्थापित है, यानी उस मंदिर का ना तो कोई ऐसा प्रतीकात्मक मंदिर कोई दूसरी जगह बन सकता है और ना ही धाम का इस्तेमाल वहां पर कर सकता है। किसी को मंदिर बनाना है, भगवान शिव का अगर मंदिर बनाना है तो बना सकता है, लेकिन केदारनाथ धाम को प्रतीकात्मक रूप से वहां पर बनाना वो सही नहीं है। और तीर्थ समाज भी इसी का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया है उस आश्वासनों पर पुरोहितों ने अभी तो अपना धरना या विरोध प्रदर्शन स्थगित किया, लेकिन आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि अगर इन चीजों को धाम का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, मंदिर का जो स्ट्रक्चर है अगर उसे नहीं बदला जाता है तो फिर ये विरोध प्रदर्शन और भी होगा और फिर सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर बनता हुआ भी नजर आएगा। जिस तरह से आपने कहा कि जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने अपना धरना फिलहाल के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया है, जो बाकी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें चार धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी भी शामिल हैं, क्या उनको भी यहां पर समझाने का काम किया जा रहा है, क्या उन्होंने भी धरना स्थगित किया या वो अभी आंदोलन को उग्र है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो व्यवसायी लोग हैं वो अभी अपना आंदोलन को यहाँ पर जारी रखे हुए हैं और खासतौर पर विपक्ष इस पूरे मामले को बड़े आक्रामक युक्त से सामने प्रस्तुत करने का काम यहाँ कर रहा है। विपक्ष की तरफ से आगामी 24 जुलाई से हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक एक पैदल यात्रा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। केदारनाथ धाम के इस धाम का जो प्रतीकात्मक स्वरूप दिल्ली में बन रहा उसका विरोध विपक्ष की तरफ से ज्यादा यहाँ पर किया जाने लगा। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अभी पूरे मामले पर उत्तराखंड में जो राजनीति है वो बड़ी गरमाई हुई है, सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जिस प्रकार से इस केदारनाथ धाम का इस्तेमाल वहां पर हो रहा, मंदिर के नाम पर केदारनाथ धाम को बनाने का वहां पर हो रहा, वो सरकार सीधे तौर पर इस समय उत्तराखंड की आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हुए काम यहाँ पर कर रही है। इसीलिए सरकार की तरफ से निर्णय यहाँ पर लिया गया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस मामले पर मोर्चा संभाले हुए, तो ये कहा जा सकता है कि जल्द ही सरकार के निर्णयों से या सरकार की बातचीत से
ये सब चीज जो विवाद है वो विवाद बिल्कुल यानी अब पूरी तरह से अब उत्तराखंड की सियासत जो है गर्मा गई है। विपक्ष जहां इस पूरे मसले का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, धामी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ निर्णय यहां पर लिया जाता है, क्या जो नया मंदिर बन रहा है उसका नाम और स्वरूप दोनों बदले जाते हैं, उस पर सभी की निगाहें। अब बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और अभी सूचना के कर्मियों का तबादला हो गया है। राज्यपाल और सीएम की सुरक्षा में तैनात कर्मियों का ट्रांसफर हुआ है। 40 उपनिरीक्षक और मुख्य आरक्षी का तबादला हुआ है। कुछ को पहाड़ भेजा गया है तो कुछ को मुख्यालय भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासनिक फेरबदल यहां पर होना, पुलिस और अभिसूचना का के कार्मिकों का तबादला हुआ है। इस दौरान राज्यपाल और सीएम की सुरक्षा में तैनात कर्मियों का ट्रांसफर यहां हुआ है। 40 उपनिरीक्षक और मुख्य आरक्षी का तबादला हुआ है। कुछ को पहाड़ भेजा गया है तो कुछ को जिला मुख्यालय भेजा गया है। वहीं आज प्रदेश भर में पूरे उत्साह के साथ हरेला पर्व मनाया जा रहा है। लोक पर्व हरेला सावन के आने का संदेश देता है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरेला पर्व के मौके पर देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित अपने आवास में हरेला मनाया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की स्मृति में अपने परिवार के साथ वृक्षारोपण भी किया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की लोगों से अपील की है। देशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 2 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का संकल्प किया है, ये हमारे विभाग ने ग्राम विकास, हॉर्टिकल्चर और रेशम द्वारा लगभग 17.5 लाख वस्तु के रोपण का संकल्प लिया है और एक पेड़ अपनी माँ के नाम, क्योंकि माँ से हमारा एक सेंटीमेंट अटैचमेंट होता है, इस पर हम माँ की देखभाल करते हैं, इसका पौधों की देखभाल करेंगे। इस संकल्प के साथ लगाया जा रहा है तो उसको और सर्वाइव करेंगे। वहीं मैंने आज इसकी शुरुआत अपने घर से अपने परिवार के साथ भारत माता के वो अमर शहीद अमर सपूत। उत्तराखंड में आज पूरे उत्साह के साथ हरेला पर्व मनाया जा रहा है, जो कि प्रकृति को महत्व देने की परंपरा भी दर्शाता है। हरेला पर्व लोक संस्कृति, प्रकृति और पर्यावरण के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। हरेला पर्व के मौके पर रुड़की के गणेशपुर स्थित कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति शामिल हुए। इस दौरान विद्यालय परिसर में सभी के साथ मिलकर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई सूबेदार मेजर शैलेंद्र बिष्ट को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप कांग्रेस नेता और यमकेश्वर जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपरवाण पर लगा है। कोटद्वार पुलिस ने सीएम योगी के भाई शैलेंद्र सिंह बिष्ट की शिकायत पर कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि शैलेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस नेता ने उनके परिवार के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने आरोपी नेता को पोस्ट हटाने को कहा था। वहीं आरोपी नेता ने फोन पर उन्हें पहले अपशब्द कहे। घटना के कुछ दिन बाद आरोपी ने फिर कॉल कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
देखिए इसमें शैलेश बिष्ट जी हैं जो कि आर्मी में हैं, कोस्ट गार्ड में पोस्टेड हैं। उनके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति है क्रांतिकारी परवान जिसके द्वारा फेसबुक पे अननेसेसरी उन पर टिप्पणी की जा रही है उनके और उनके परिवार के प्रति, और साथ ही उनको और उनके परिवार को धमकियां भी दी जा रही है फोन पर। तो इस एप्लीकेशन के बाद इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना प्रचलित है। वहीं राजधानी देहरादून में यातायात दबाव बढ़ता जा रहा है जिससे शहर में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को भी जाम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी होती है उस वक्त और ज्यादा जाम लग जाता है। वहीं SSP देहरादून अजय सिंह ने कहा कि जाम से निपटने के लिए कई सुझाव आए थे जिसमें स्कूल के समय बदलने का निर्णय भी लिया गया है। स्कूल का समय बदलने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। SSP ने आगे कहा कि सभी स्कूल संचालक अपनी सुविधा के अनुसार प्रशासन को स्कूल बदला हुआ जो समय है वो अवगत करा सकते हैं। देहरादून शहर में खासकर देखा जाए तो हमारा हार्ट ऑफ द सिटी है, उसमें यातायात की व्यवस्था काफ़ी दिक्कत के लिए सभी के लिए आमजन के लिए है। और इसमें बहुत जगह से सुझाव भी आए थे कि क्योंकि ऐसे कॉर्नर से खासकर डालनवाला, राजपुर रोड, नेहरू कॉलोनी जहाँ पर क्लस्टर में बहुत सारे स्कूल हैं और स्कूल की टाइमिंग आने और जाने की खासकर जो छुट्टियों का समय है वो एक होने के कारण करीब करीब 1 से 1.25 घंटे जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, चाहे उनके बच्चे हैं, वो भी परेशान होते हैं जाम में। और साथ ही साथ जो राजकीय कार्यों के लिए अन्य लोग जो अपने कार्यों के लिए जाते हैं वो भी 1 से 1.25 घंटे 1.5 घंटे इस मार्गों पर परेशान रहते हैं। क्योंकि जनहित में ये सुझाव आए थे, इस पर 2-3 राउंड की मीटिंग हमारे जो प्रथम फेज में हमने 21 स्कूल को लिया है और उनसे जो सुझाव प्राप्त हुए उनसे के बाद एक विधिवत आदेश उसमें जारी होगा। लेकिन अभी भी 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है इसमें और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें वो रेस कर सकता है जिससे कि इसका जो स्कूल के समय है उसमें कुछ संशोधन किया जा सके, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। वहीं उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट जॉलीग्रांट पर टैक्सी यूनियन और एयरपोर्ट प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो सकता है। दरअसल कुछ महीने पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट की बिल्डिंग में टैक्सी संचालन कार्यालय खोलने के निर्देश दिए थे जिसके बाद इस कार्यालय के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने नए नियम बनाते हुए इसके संचालन के लिए टेंडर निकाले थे जिसका टैक्सी यूनियन ने विरोध किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले का संज्ञान लिया और सीएम धामी के दिशा निर्देश के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने टैक्सी यूनियन कार्यालय के लिए निकाले गए टेंडर को निरस्त कर दिया। अब कार्यालय का संचालन उत्तराखंड पुलिस और टैक्सी यूनियन को दे दिया गया है। जो प्रक्रिया है ये शासन और सरकार की प्रक्रिया है कि टेंडर बेसिस पर टैक्सी यूनियन को काम दिया जाता है प्रत्येक एयरपोर्ट पर। आज हमारे जो ये टैक्सी यूनियन वाले जो लोग हैं ये लोग बहुत ही पुराने और स्थानीय लोग हैं। जब से हवाई पट्टी एयरपोर्ट की जगह यहाँ पर हुआ करती थी और ये सारी जमीनें इन्हीं लोगों की, स्थानीय लोगों की हुआ करती थी, तो सरकार ने इन सभी से इस जमीन को एक्वायर किया और फिर जाके यहाँ पर स्थानीय लोगों के सहयोग से ये इतना बड़ा आज एयरपोर्ट बना है। सरकार और स्थानीय लोगों के समन्वय से आज इतना उन्नति और तरक्की इस एयरपोर्ट की हुई है। पर सरकार को स्थानीय लोगों पर भी ध्यान देकर इन लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, घर कैसे चले, इन लोगों की रोजी रोटी कैसे चले, बड़े ही मध्यम परिवार के लोग हैं, कोई गाड़ियां अपनी फाइनेंस करवा के लेके आया है, किसी को किस्तें भरनी है, किसी के घर में 4-4, 10-10 लोग हैं, उन लोगों का जो पालन पोषण है वो इसी काम से ये लोग करते हैं। तो इस चीज को भी हम सभी को देखना पड़ेगा। हमारे जो स्थानीय आदमी हैं जिन्हें यहाँ पर जिनके यहाँ पर टैक्सा चल रही है, जिन्होंने बैंकों से लोन लेके अपने जमीन में यहाँ पे एयरपोर्ट एथॉरिटी देके अपना रोजगार जोड़ा और गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट एथॉरिटी द्वारा हमें बार बार कभी जहाँ पर इनकी चौक कभी इधर उठा के फेंक देते, कभी उठा पे अब इन्होंने क्या करा कि हम यहाँ से बिल्कुल फेंकने का ही विचार बना लिया और इस जो ये स्थानीय आदमी का जो रोजगार था इसे छीन लिया गया। इसे टेंडर प्रक्रिया में बड़े बड़े ठेकेदारों को देने की इन्होंने प्रक्रिया चालू करी जो कि बहुत गलत है। और इस विषय में हमारा जो है जो स्थानीय आदमी है, स्थानीय क्षेत्र है, जो हमारे स्थानीय गाड़ी वाले भाई है, जो हमारे चोलीकांड एयरपोर्ट टैक्स चालक हमारी समिति के जो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो है सेवाएं देते 450-500 गाड़ियाँ वो बहुत नाराज है, लेकिन हमारे जो विशिष्ट नेता जो है हिमांशु चंदोल जी उनके सहयोग से हमारे प्रसाद जैसे कितने पुरुष जी हैं, फातेह भोसड़ी जी, वीर सिंह भाई हैं,
हम सभी ने उनके साथ में अपना समन्वय बनाया, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर चलो, उत्तराखंड पुलिस आपकी गाड़ी चलवाएगी। अभी तक तो हमें यही आश्वासन रखा, अब आगे आगे क्या प्रक्रिया तो सरकार का मिलेगा। खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाली में एसडीएम रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में मुस्लिम समाज के आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर अमन चैन की एक बैठक की गई। बैठक में बिजली विभाग, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन शामिल रहे। पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज से मुहर्रम के त्योहार को लेकर उनकी राय जानी और साथ ही मुस्लिम समाज से मुहर्रम के त्योहार को बड़े ही अमन और चैन के साथ मनाने की अपील भी की। दस मुहर्रम आशूरा को लेकर के मीटिंग की गई है और जिसमें शांति और सुकून के साथ में मुहर्रम पर्व के को मनाने की बात की गई है। और यहाँ से मुस्लिम समाज ने भी जैसे प्राचीन काल से बहुत पुराने समय से मुहर्रम का त्यौहार मनाने का काम करते हैं, उसी तरीके से इस बार भी करेंगे। ना तो नए रोड के ईजाद करने का काम करेंगे और सुकून और शांति के साथ मनाया जाएगा। इसका पर्पज़ हमारा ये था कि 17 तारीख को जो मुहर्रम, उससे पहले पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, नगर पालिका हो गया, बिजली विभाग, सभी विभागों के साथ समन्वय एक बैठक हमने कराई है। इसमें यही हमने निर्देशित कराया गया है कि जैसे पूर्व के वर्षों में भी जो ये कार्यक्रम हुआ है, वैसे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटे। और उन लोगों की भी हमने व्यू लिए हैं कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस पर भी हम खरा उतरे, तो इस बार हम उम्मीद करते हैं हर वर्ष की भांति इस बार भी शांतिपूर्ण ढंग से ही कार्यक्रम का संचालन होगा। वहीं जसपुर के नई बस्ती क्षेत्र में एक मकान में भीषण आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से घर में सो रही महिला की मौत हो गई है, साथ ही घर में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। मामले की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने के नवादा में दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि एक समुदाय के लोगों द्वारा उनके घर में घुसकर पीड़ित समेत उनके छोटे बच्चे और परिजनों के साथ धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए मारपीट और तोड़फोड़ की गई, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया था, लेकिन धर्मांतरण का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके तहत 11 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। एक शिकायत कर आई थी, जिसमें बताया गया कि वो वादनी द्वारा कि वो अपने घर में अपने महिला मित्र के साथ और दोस्तों के साथ बैठे थे वहाँ पर, और उस दौरान धार्मिक आरोप लगाकर कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसको लेकर काफ़ी सारी भीड़ उनके घर में घुस गए और उनके साथ बदतमीजी करी और मारपीट करी। इस सूचना के आधार पर जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कोई प्रथम दृष्टया ऐसा कोई धर्मांतरण या कोई ऐसी चीज़ वहाँ साक्ष्यों में नहीं मिली, और उनके द्वारा जो शिकायतकर्ता उनके द्वारा बताया गया कि वह किसी रिलीजन में विश्वास रखते हैं और अपने दोस्तों मित्रों के साथ बैठकर उस पर अपनी वो चर्चा करते हैं, और इसको देखते हुए जिस तरह से वहाँ पर अराजक तत्वों द्वारा जो घुसकर महिला के साथ बदतमीजी की गई और तोड़फोड़ की गई घर के अंदर, उस पर सभी अभियुक्तों को जो नेम थे उनके खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। और साथ ही साथ इसमें जो प्राथमिक जाँच में इस तरह की कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई थी, तो जिस तरह से धार्मिक तरह से रिलीजन कन्वर्जन की बात लेकर और इसमें कुछ लोगों ने अफवाह फैलाकर इस तरह भड़का कर लोगों को जिस तरह से उत्तेजित किया, उस संबंध में संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।